आपने कभी नहीं देखे होंगे कपूर परिवार की बहुओं की यह फोटो। 21 सितंबर को करीना कपूर पूरे 37 साल की हो गई है। वह बॉलीवुड की मशहूर फैमिली कपूर फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। कपूर फैमिली के बेटों को तो हर कोई जानता होगा, पर कपूर परिवार की बहुओं को आज तक कोई नहीं जानता होगा। आज हम इसी लेख में आपको कपूर बेटों के साथ साथ उनकी पत्नियों की जानकारी देंगे, वो भी उनके फोटो के साथ। करण कपूर और उनकी पत्नी लोरना कपूर। करण कपूर की पत्नी का नाम लोरना कपूर है। दोनों ही आलिया और अजीत कपूर के माता पिता हैं। करण और लोरना लंदन में रहकर अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। करण कपूर ने अब तक जुनून 1978, सल्तनत 1986, लोहा 1987 जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। तब करण हिंदी फिल्म जगत में अपनी अलग ही पहचान बना गए थे। पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी रामासरणी। हिंदी फिल्म जगत में सबसे पहले कपूर परिवार में से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले पृथ्वीराज कपूर थे। उन्होंने साल 1929 में हिंदी फिल्म में कदम रखा था। उसके पहले उन्होंने 1923 में रामासरणी मेहरा के साथ शादी की थी। दोनों को 3 बेटे राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर थे और साथ ही एक बेटी भी थी जिसका नाम उर्मिला था। तब पृथ्वीराज कपूर ने दो धारी तलवार 1928, सिनेमा गर्ल 1929, आलम आरा 1931 जैसी कई हिट हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद उनका 29 मई 1972 को निधन हो गया। राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा मल्होत्रा। राज कपूर ने साल 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी की थी। दोनों को 3 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनका नाम ऋषि, रणधीर, राजीव, रीमा और रितु था। राज कपूर की पत्नी तो पहले से ही हिंदी फिल्म जगत से दूर रही थी, लेकिन उनके तीनों बेटे अभिनय की दुनिया में मशहूर थे। लेकिन तीनों बेटों में से सिर्फ ऋषि कपूर ही हिंदी फिल्म जगत में सफल रहे थे, बाकी दो बेटे फिल्मों में सफल नहीं रहे थे और उनकी दो बेटियां तो फिल्म जगत से काफी दूर रही थी। राज कपूर आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्होंने अब तक नीलकमल 1947, दास्तान 1950, आवारा 1950 जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया था। शमी कपूर और उनकी दो पत्नियां गीता बाली और नीता देवी। शमी कपूर ने साल 1955 में हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली के साथ लव मैरिज की थी।